अंदाज अपना अपना को याद किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Shah. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. तो मैंने देखी भूत पुलिस और मैं लेके आ गया हूँ उसका रिव्यू। यार पहले तो हम मूवी की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हालांकि इतनी कोई है नहीं, बेसिक सी स्टोरी है, लेकिन उसको जिस तरह के स्क्रीन प्ले में ढाला गया है वो गेम है। अच्छा स्टोरी क्या है? स्टोरी है दो लड़कों की, मेजर और गुल्लू की, और उनको एक लड़की मिलती है रागिनी। मेजर और गुल्लू जो कि नाकारा है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बचपन से याद आ रहा है, वो दोनों कुछ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बिजनेस करने के चक्करों में लगे हुए लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। फिर एक एक्सीडेंट होता है जिनसे उन्हें भूत दिखना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनको एक भूतनी दिखती जिसका नाम है रागिनी, जो उनको एक बिजनेस प्रपोजल देती है कि मैं लोगों के अंदर घुसूंगी, तुम लोग जाके एग्जॉर्सिज्म करना और उनसे पैसे कमा लेना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बाद में, लेकिन वो उसी का आइडिया ठाप के आगे अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। अरे ये तो मेरे पीछे आइडियाज लग रहे हैं, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं लोगों को पिच करता हूं अपना आइडिया लेकिन वो बाद में अपना बिजनेस शुरू करके बैठ जाते हैं। तो उनको एक केस आता है, जो केस पहला देखने में बड़ा मजे का लगता है और अच्छा केस था, एक लड़की के अंदर एक भूत होता है, वो आप देखेंगे तो मजा आएगा। वो केस आता है, वो केस को सॉल्व करते, फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं भाई लोगों को हेल्प करनी चाहिए, और पूरी ये स्टोरी और आगे जाके कैसे रागिनी की हेल्प करते हैं वो दोनों, क्योंकि रागिनी का भी अपना एक इशू है, और ये पूरा सॉल्व करते हैं, और यही है स्टोरी। बेसिकली स्टोरी बहुत छोटी सी है, लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो जबरदस्त है। ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की बॉन्डिंग और ब्रोमैंस भाई वो जबरदस्त था। एंड मुझे काफी सीन्स में अंदाज अपना अपना की वाइफ भी आ रही थी, क्योंकि बेसिकली उस टाइप के कैरेक्टर ही थे कि मस्त माहौल थे, बीच में एक दूसरे के लिए जेलसी भी है समटाइम्स, सब मतलब अच्छे तरीके से लिखे गए कैरेक्टर हैं। जिस चीज ने सबसे ज्यादा मजा दिया है वो है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले के थ्रू इतने जबरदस्त रेफरेंसेस डाले गए हैं मूवी के अंदर, भाई मजा आ जाता है। देखो कॉमेडी ना हर बंदे के परसेप्शन से डिफरेंट होती है। अब जैसे कई लोगों को इसका फर्स्ट हाफ अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इसका सेकंड हाफ अच्छा लगा है, पता नहीं क्यों। फर्स्ट हाफ भी बहुत अच्छा था, लेकिन सेकंड हाफ मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। बीच में क्लाइमेक्स थोड़ा सा ड्रैग लग रहा था, लेकिन ओवरऑल फिल्म अच्छी थी। और मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया की तरफ से अच्छे डायलॉग लिखे जा सकते हैं, हर मूवी में सिर्फ शिवा नहीं चिल्लाया जाता, अच्छे डायलॉग्स भी होते हैं। अच्छा तो तुम डॉक्टर हो, कभी डॉक्टर डॉक्टर खेला है? मेरा बचपन का फेवरेट गेम था डॉक्टर डॉक्टर, सही बताऊं तो मैंने खेला है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर डॉक्टर। वो तो बाद में जाके पता चला कि डॉक्टर डॉक्टर क्या होता है, लेकिन अच्छा होता है यार डॉक्टर डॉक्टर। सॉरी तीन पॉइंट्स है जो मैं बोलना भूल गया था, तो मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यार पहला पॉइंट तो ये कि आजकल यूनिवर्सिस का जो सीन चलना शुरू हो गया, जैसे कि एक्सपोजर यूनिवर्स आ रहा है, फिर और बहुत सारे स्पाई यूनिवर्स, ये वो, तो इस फिल्म में भी एक रेफरेंस है या एक कैमियोज है कुछ, जो किसी और सिनेमेटिक यूनिवर्स तो नहीं कह सकते। यार देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, यूनिवर्स पता है क्या होता है, यूनिवर्स और फ्रेंचाइज में एक फर्क होता है। पहले ये होता था कि फ्रेंचाइज मूवीज आती थी, जैसे कि धूम हो गई है, गोलमाल हो गई है, धमाल हो गई है, फिर उसके बाद दबंग हो गई है, ये ऐसी फिल्में थी जो पार्ट बेस होती थी, कि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। अब इसमें कुछ फ्रेंचाइज है, कुछ सीक्वल बेस फिल्में हैं, जैसे कि धमाल के पहले दो पार्ट सीक्वल बेस हैं और उसके बाद जो धमाल थ्री है वो फ्रेंचाइज है। इसी तरह गोलमाल फ्रेंचाइज बेस मूवीज है, दबंग सीक्वल बेस फिल्म है जिसमें कॉन्टिन्यूटी होती है। लेकिन अब इसमें एक और दो पार्ट सीक्वल मूवी का एक रेफरेंस है, आफ्टर दिस कैमियो ये एक यूनिवर्स मूवी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो कैमियो है जो इनके अपने दो पार्ट आए हुए हैं मूवी के, जब वो किसी तीसरे पार्ट में आते हैं ना और वो कोई और स्टोरी हो या कोई और कैरेक्टर की मूवी हो, तो हमें एक नया यूनिवर्स देखने को मिल रहा है भूत पुलिस में। बाय द वे जैसे कि हॉरर वर्स एक बन रहा है जिसमें ऑलरेडी स्त्री रूही और अब भेड़िया देखने को मिल रही है, मुझे उससे ज्यादा अच्छी ये मूवी लगी है, कि मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा एक यूनिवर्स में स्टैंड करने वाली फिल्म है, और अगर हो सके तो इसे उस यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दें अगर कुछ हो सकता है तो, क्योंकि ये मूवी मुझे ज्यादा अच्छी लगी है। स्त्री अच्छी थी, रूही अच्छी नहीं थी, और भेड़िया मुझे पता नहीं, लेकिन ये मूवी को भी एक यूनिवर्स चाहिए यार, और इसका पार्ट टू भी आएगा तो अच्छा लगेगा मुझे देखना इसका पार्ट टू। बाकी मैं बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि यार अगर कॉमेडी मूवी इंजॉय करनी है तो दिमाग घर पे रख के आओ। यार अगर कोई ये बोलता है ना तो मैं उधर ही मेरा ना हो जाता है कि भाई मुझे फिल्म ही नहीं देखनी। जैसे कि एक मूवी आई थी जिसमें ट्रिपल रोल थे जो कोई हमशक्ल, उसमें बोल रहे थे दिमाग घर पे रख के आओ, भाई ऐसा नहीं होता। कॉमेडी मूवी भी इंजॉय करनी
करनी होती है, कॉमेडी मूवी में भी लॉजिक होना चाहिए, और इस मूवी में लॉजिक थे। ऐसा नहीं है कि दिमाग घर पे रख के आओगे तो समय लगेगी। लाइट हार्टेड कॉमेडी थी, कुछ चीजें बोंगी होती है, कुछ लोग बोंगी हरकतें करते हैं, इमेच्योर बातें करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग स्क्रू ढीले होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ढीले स्क्रू मिल जाते हैं आपको कि नहीं भाई मुझे फैसल कुरैशी से अभी मिलना, मुझे दानिश तिमूर से अभी मिलना है। भाई ऐसे थोड़ी होता है, वो बिजी होते हैं, हम भी कभी कभी बात करते हैं, ओकेजनली बात होती है, जानने वाले का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर टाइम मिल रहे होते हैं। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, और उस टाइप से अगर देखा जाए तो मूवी अच्छी है। ये नहीं कि भाई दिमाग घर पे रखो, दिमाग लेके जाओ, दिमाग के साथ देखो, जो मूवी आपको दिमाग के साथ अच्छी लगी वही कॉमेडी है। बाय द वे मुझे अब पार्ट 3 में वो जो दो पार्ट वाले हैं, मैं स्पॉइल नहीं कर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जिनकी पहले दो पार्ट आए हुए हैं, और इन दो कैरेक्टर्स का मुझे क्रॉसओवर चाहिए। गाना भी मिल रहा है, भागा भूत लंगोटी लेके चद्दर तान के तू छुप रहे। ए डॉली 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 छोटी बच्ची हो क्या? दलाइवा दलाइवा सलाइवा सलाइवा। अच्छा फिर बीच में जब क्लाइमेक्स आता है वो बोलता है देवियों और सज्जनों ये हमारे चलचित्र का मध्य अंतरम है, अगर डर या हंसी के मारे अभी तक कुछ निकला नहीं है तो निकट के शौचालय हो है। आशिक भाइयों से निवेदन है, पप्पी झप्पी से फुर्सत मिल गई तो दीदी के लिए कुछ पॉपकॉर्न भी ले है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, इवन लाफ्टर। यार ये अच्छा था। अच्छा बाय द वे पूरी मूवी नरेशन में दिखाई गई है जो कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ना वो फिल्में अच्छी लगती है जो सेल्फ अवेयर होती हैं। अच्छा और भी डायलॉग्स पड़े हैं अभी, उन पे भी आते हैं। एक सिनेरियो आता है जिसमें रागिनी अपनी स्टोरी सुनाती है सारी, उसमें वर्ड प्ले होता है। स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, दो बार ठीक था, तीसरी बार थोड़ा ओवर लगता है लेकिन दो बार ठीक था। उसके बाद तीसरी बार अगर मूवी के एंड में ही दिखाते तो वो सही था, लेकिन घोड़े वाला जोक अच्छा लग रहा था मुझे कि एक्सीडेंट हुआ घोड़ा बच गया ना, यार गाड़ी थी घोड़ा गाड़ी नहीं थी। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। फिर उसके बाद बस्कर बहन कितना भागेगी, लाहौर आ गया, लाहौला वाला कुवत। मतलब अच्छे रेफरेंस है, मुझे अच्छे लगे हैं यार। बाकी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था और विजुअलाइजेशन अच्छी थी। जिस सेट में जैकी श्रॉफ एंट्री होती है वो जो बैकग्राउंड था उनका, कोट उनका, वो सारा लुक वो मुझे अच्छा लगा। और यार देखो पर्सनली ना मुझे वो मूवीज अच्छी लगती है जो सेल्फ अवेयर होती है कि वो मूवीज है, और फोर्थ वॉल ब्रेकिंग होती है। फोर्थ वॉल ब्रेकिंग क्या होती है, यानी कि डायरेक्ट ऑडियंस के साथ बात करना। और इसमें एक दो सीन थे फोर्थ वॉल ब्रेकिंग के, प्रॉपर फोर्थ वॉल ब्रेकिंग नहीं थी लेकिन थे कुछ सीन, लेकिन पॉप कल्चर रेफरेंस के बारे में बात की गई थी। और मेरी पर्सनली जो फेवरेट मूवी है वो रेडी प्लेयर वन है। भाई उसमें इतने एक्सट्रीम पॉप कल्चर रेफरेंस है ना हॉलीवुड के, इस मूवी में बॉलीवुड के पॉप कल्चर रेफरेंस यूज किए गए हैं, जैसा कि इस मूवी का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हकीकत मूवी का पोस्टर दिखाते हैं, जिस तरीके से टीजर में दिखाया गया था ना वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। बिसाइड मूवी में वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था। अच्छा एक डायलॉग था जो मैं मिस कर गया, पता नहीं मूवी में था कि नहीं था लेकिन ट्रेलर में था, अब हम दोनों बनेंगे Busters। इस टाइप का कोई डायलॉग था, मुझे मूवी में शायद मैं मिस कर गया, मुझे समझ नहीं लगी किसी टाइम में, बात इधर उधर ध्यान में मिस हो गया। फिर मुझे इस मूवी को देख के रियलाइज हुआ है कि अच्छी एक्टिंग क्या होती। ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने जो एक्टिंग की है ना यार मजा आया है। मुझे फील हुआ है कि हम लोग कितने टाइम से लैक ऑफ एक्टिंग की मूवीज देख रहे हैं। यार देखो मैंने थोड़ी देर पहले अनोला होम्स देखी और मैं देख रहा था, मैं फील कर रहा था कि हर बंदा जो हॉलीवुड मूवीज में जो एक्टिंग होती है ना वो बेसिक है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हॉलीवुड मूवीज में जैसे टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स हैं, उन लोगों ने स्टैंडर्ड इतना खराब कर दिया ना कि मतलब मैं जब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करता हूं ना मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि भाई एक्ट्रेस ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज में बोलना पड़ता है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड ही इतना खराब हो चुका हुआ है। टाइगर श्रॉफ हो गए या और बहुत सारे एक्टर हो गए, वो इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं कि फील होता है कि भाई जब कोई थोड़ी सी भी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो बताना पड़ता है कि भाई एक्टिंग अच्छी है। कैटरीना की एक्टिंग एवरेज थी और पता नहीं आएगा होंठों की सर्जरी वगैरह कराई है कि स्वेलिंग लग रही थी फेस पे, लेकिन अच्छी लग रही है वो। शादी के बाद आएगा उनकी पहली मूवी और क्यूट लग रही थी वो। क्लाइमेक्स थोड़ा लंबा हो गया लेकिन क्लाइमेक्स में एक सीन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि ओरिजिनल हीरो सिंस 1983 या कुछ इस टाइप का बोलते हैं और वो अपना पूरा सीन करते हैं। मुझे फील हुआ उस टाइम में कि ही इज द ओरिजिनल हीरो। उसके बाद जो दो हीरो हीरोपंती पता नहीं क्या क्या घटिया फिल्में आई हैं वो आंखों से इरेज करके देखो, और ओरिजिनल हीरो यही है, वो एक एपिक मूवमेंट बन जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो मैं अभी भूल भी रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने मूवी देखी ना उसके फॉर्म में ऐसे अवेलेबल हुआ ना मैंने कहा वीडियो बना दो, कुछ निकले ना दिमाग से। लेकिन मूवी अच्छी है, जाके देख ले, मैं रेकमेंड करता हूँ। बॉलीवुड की बहुत कम फिल्में मैं रेकमेंड करता हूँ, वन टाइम वॉच तो है, वन टाइम वॉच लाजमी है ये, अभी देख ले, जब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी लाजमी देखिएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शायद आप ज्यादा इंजॉय करें, लेकिन ये मूवी जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि कॉमेडी जो होती है ना वो सेल्फ अवेयर होना तो मजा देती है, और कॉमेडी हर बंदे के परसेप्शन से डिफरेंट होती है। शायद आप लोगों को उस लेवल पे अच्छी ना लगे जितनी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं रेफरेंसेस पे एंजॉय करता हूं, लेकिन हर मूवी में रेफरेंसेस
अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बिला वजह के रेफरेंसेस फेंके होते हैं, लेकिन इस मूवी में स्क्रीन प्ले में रेफरेंसेस ऐसे जस्ट किए हुए ना कि चस आ जाता है। ओवरऑल मैं इस मूवी को दे सकता हूँ 3.5 स्टार। बाकी आप लोग इंजॉय करें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। ये था मेरा रिव्यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी कर लें नबील वर्स को। अब मैं देखने जा रहा हूँ डबल XL। हेक्टिक लाइफ चल रही है। ओके बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। बैडएस, एक 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 तो बीच में एक सेगमेंट आता है बैडएस, वो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एकदम से बैडएस रवि कुमार, बैडएस रवि कुमार आ गया यार। मैं पागल हो गया हूं बैडएस रवि कुमार के ऊपर। 4 वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, जाके देख ले। बाकी ये मूवी अच्छी है, मेरा साल मतलब समझ लो मेरा साल जाते जाते अच्छा हो रहा है। बॉलीवुड पे थोड़ा सा यकीन वापस कायम हो रहा है।